जी सर, आज के प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। जी, आज का प्रोग्राम जो है कि हमारे ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का ये हंगपन दादा मेमोरियल 5th एडिशन ऑफ हंगपन दादा मेमोरियल ट्रॉफी, जो कि हमारे ये डिस्ट्रिक्ट वाइज हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। और इस बार क्या है कि हम लोग का पिछला साल हम लोग का 3 टायर का टूर्नामेंट था, यानी कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल, इसका ब्लॉक जिला का अंदर में वो पार्टिसिपेट करता है, उसका विनर विल बी क्वालिफाइड फॉर डिस्ट्रिक्ट लेवल। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज टीम्स आर सब माने पार्टिसिपेटिंग, एंड दोज हु विंस दे विल बी डायरेक्टली क्वालिफाइड फॉर स्टेट लेवल, जो कि अभी इस बार सुनने में आया है। डेट अभी तक फिक्स नहीं है, सुनने में आया कि रोइंग में वहाँ में लोअर विभाग दिल्ली में वहाँ में ये स्टेट लेवल करने जा रहा है। तो हम लोग का आज का जो मेन से ये कि अभी जैसे हमने देखा कि गर्ल्स का कैटेगरी का 01 मतलब 0 कॉन्स्टिट्यूएंसी और 16 याचुली कॉन्स्टिट्यूएंसी का बीच में हुआ था, जो कि ऑफिशियली जो है 01 कॉन्स्टिट्यूएंसी ये विनर डिक्लेयर हुआ है, यानी डिस्ट्रिक्ट का चेक। और अभी तक इतना कंफर्म अभी तक डेट इट वॉज नॉट फिक्स्ड डेट, अभी तक स्टेट लेवल के लिए हम लोग को ये समय दे के रखा है ये वो कि 20th of February to 28th of February का अंदर में डिस्ट्रिक्ट लेवल सब ख़त्म करें। और इस बार कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल जो है 3 टायर का हम लोग का तरीका था, कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल इस बार वो कैंसिल कर दिया है, और सुनने में आया है कि अभी डबल टायर ही जारी रहेगा, यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल। ये सर, जैसे कि कुछ प्लेयर को रिजेक्ट भी किया गया, क्यों, किस कारण से रिजेक्ट किया गया? रिजेक्ट जो है हम लोग बार बार हम लोग का एक तारीख 1st of February को हम लोग का ऑर्डर आया था, जो ऑफिशियली हम लोग का डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का तरफ से वो डेट फिक्स था कि हम लोग का जो ये डिस्ट्रिक्ट लेवल जो कंडक्ट करना है उसका गाइडलाइंस दे के रखा हुआ है, और गाइडलाइंस के मुताबिक उसमें मतलब आधार कार्ड और ये डेट ऑफ बर्थ उसको ये वो लोग ओरिजिनल लेके आना है। लेकिन क्या है कि लकी और अनलकी उन लोगों ने ठीक ढंग से वो अरेंज करके आया नहीं ही, तो यहाँ में तो अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल का सवाल है, लेकिन तो इसीलिए वो जो विनर जो है उसको डायरेक्टली 0-17-0 खपोली कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो टीम है गर्ल्स का, उनको विनर डिक्लेयर कर दिया है, क्योंकि उनका डॉक्यूमेंट जो है उसमें कोई हमें कुछ इलीगल नहीं दिखने, और इलीगल वो जीरो माने एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी इलीगल है वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन डॉक्यूमेंट जो है प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके नहीं आए उन लोगों ने, बात वही है। ओके, थैंक यू सर। और इसमें ये है कि हम लोग का सबसे बड़ा बात है कि हम लोग का टूर्नामेंट के लिए जो है पहले हम लोग का अराउंड 9 लैक्स प्लस ना लगभग 10 लैक्स आता था जो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल के लिए, और एट द सेम टाइम स्टेट लेवल जाने के लिए, है कि नहीं। लेकिन इस बार ब्लॉक साइज मान लीजिए डाउन साइज जब कर दिया, 2 टायर कर दिया, तो उसमें हम लोग का फंडिंग पैटर्न भी बहुत शॉर्ट हो गया, शॉर्ट लिस्ट कर दिया है, क्योंकि लगभग 3 लैक्स 12,000 करीबन सरकार का मतलब फान आया हुआ है। और ये जब कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल जब ऑर्गेनाइज होता है, तो कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल के लिए जब टीम चुनता है तो वो कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो हम लोग का विधायक है, हम लोग का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वो उनका टीम है, तो वो अगर इनिशिएट लेता है तो ये टीम बहुत अच्छा बन सकता है। तो क्या है कि फुटबॉल हो या वॉलीबॉल हो, किसी को कमज़ोर माने मेजर या माइनर नहीं समझ सकता है, हर एक गेम का इम्पोर्टेंस होता है, तो इसीलिए बहुत सारा खर्चा भी होता है अपना टीम के लिए। तो इसीलिए मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि हमारा जो हम लोग का पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, वो लोग भी हम लोग का बच्चे लोग को अपलिफ्टमेंट के लिए, उनका फ्यूचर के लिए, उनका फिटनेस के लिए आप लोग जितना हो सकता है प्रोत्साहित कीजिए। बहुत सारा अनसीन एक्सपेंडिचर भी होता है बच्चा लोग का, ये टू एंड फ्रो के लिए स्कूटी से आना जाना, एट द सेम टाइम वो लोग का जो खेलने के बाद में थोड़ा रिफ्रेशमेंट, इंजरी, ये सब छोटा छोटा माइनर ये सब काउंट करता है। तो इसीलिए मैं आशा रखता हूँ कि इन फ्यूचर दोबारा अगर इस प्रकार का टूर्नामेंट आया तो
हमारे विधायक सर लोग जितना भी हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव सर लोग हैं वो लोग थोड़ा गेम को इम्पोर्टेंस देंगे और बच्चा लोग को आगे बढ़ने के लिए वो लोग को सही प्लेटफॉर्म देंगे। और क्या है कि हम लोग का अभी जैसे कि स्पोर्ट्स कोटा निकल चुका है, पहले 5% था, अभी 10% का कोटा रखा है। आप कोई मेडिकल डिपार्टमेंट हो या आपका एडमिनिस्ट्रेशन हो या आपका पुलिस डिपार्टमेंट हो, किसी में भी बच्चा लोग का मौका है। वो डिविजनल फॉरेस्ट हो, किसी में भी आजकल स्पोर्ट्स कोटा है, बहुत सारा जेई का पोस्ट भी निकला हुआ है, अभी उसमें भी स्पोर्ट्स कोटा से अलग से कोटा रखा है। तो इस प्रकार का प्रोविजन दे के रखा है गवर्नमेंट। तो इसीलिए पेरेंट्स को भी मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि हम लोग का डिपार्टमेंट बहुत छोटा है, लेकिन अगर प्लेयर्स अगर अच्छा गेम खेलेंगे तो उनके लिए भी फ्यूचर ब्राइट है। और दूसरा बात यह है कि हम लोग ये भी सोच विचार करके रखा है कि अभी हम लोग बॉयज़ एंड गर्ल्स का फुटबॉल और वॉलीबॉल का हम लोग कोचिंग शुरू करने वाले हैं जल्द। और जितना भी पेरेंट्स हैं, उनके जितने भी किड्स बच्चा लोग हैं, आप लोग अपना एज कैटेगरी में अपने अपने बच्चे लोग को आप प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगर वो समय का बारे में थोड़ा बता दीजिए जी। कल का प्रोग्राम तो अभी जैसे आज हम लोग का बॉयज एंड गर्ल्स वॉलीबॉल था, मैंने अनडिस्प्यूटेड फाइनल है, डायरेक्ट फाइनल है ये डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो उसी प्रकार कल भी हम लोग का ये प्रोग्राम जो है, कल फुटबॉल का फाइनल मैच है बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, और उसमें हम लोग का चीफ गेस्ट आएंगे हमारे ऑनरेबल MLA साहब, हमारा 17-0 हापोली के जो विधायक हमारे इंजीनियर तागे तकी साहब, और वो एज ए चीफ गेस्ट आएंगे, और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हमारे ऑनरेबल डिप्टी कमिश्नर जीरो के वो हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर होंगे। और पहले गर्ल्स का वॉलीबॉल फुटबॉल होगा और उसके बाद में फाइनल मैच जो बॉयज का होगा, और उसके बाद तुरंत हमारे मिली विक्टोरी फंक्शन और जितने भी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब दिया जाएगा। और मैं ये इसी दौरान मैं प्लेटफॉर्म एक अच्छा मौका मिला हमको, और बोलने के लिए मैं ये भी चाहता हूँ कि जितना भी खिलाड़ी है, आप लोग ये मत सोचिए कि हम लोग खेल लिया, हार गया या जीत गया, ऐसा भी नहीं है। आप लोग अगर जीत जाता है तो उसमें आप लोग के लिए आगे और मौका मिलेगा, जैसे अपन 50,000 और 25,000 का ये रकम दे के रखा है, ट्रॉफी है, सर्टिफिकेट है, बेस्ट प्लेयर का भी खिताब है, तो वो हिसाब से ये आप लोग के लिए एक अच्छा मौका है। और एट द सेम टाइम हम लोग का डिपार्टमेंट का तरफ से ऐसा प्लान करके रखा है कि जितने भी बच्चा लोग दूर से आता है वो लोग के लिए 2 and 4 का भी खर्चा देगा। एट द सेम टाइम हम लोग का ये खाने के लिए, फूडिंग के लिए वो लोग को होनोरियम भी 300 rupees का होनोरियम दिया जाएगा। तो चाहे वो कोई खिलाड़ी जीतो या हारो, और अगर जो जीतता है वो तो स्टेट लेवल जाएगा, तो उसके लिए भी अलग मौका है। जैसे मैंने DSO साहब ने बताया था, जब जाएगा वहाँ खेलते खेलते जब निकलने का समय होगा तो उस समय वो सारा होनोरियम बच्चा लोग को 2 and 4 and होनोरियम सारा दे देगा। वही है, तो बहुत बहुत थैंक यू।